हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस टाइम बज चुके हैं 12:15 बज चुके हैं और काम वगैरह सब हो चुका है मेरा, और अब मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए लंच। तो लंच में आज बन रही है मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि त्योहारों पर इतने दिन तक पकवान मिठाइयाँ वगैरह खाने के बाद कुछ हल्का सा तो बनता ही है, तो इसलिए आज बन रही है मूंग की दाल की खिचड़ी। लंच में हम वही खाएंगे, और वैसे भी आज पंकू के पापा कहीं गए हुए हैं और मैं नीचे हम तीनों ही हैं, तो इसलिए भी मैंने कुछ ताम झाम नहीं किया है खाने में। देखिए खिचड़ी बनने के लिए रख दिए मैंने। सीरो तो अंदर है, चेरी से मिलाती हूँ अभी आपको। चेरू 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 बाबू हेलो कर दो हेलो। और चेरू ना सुबह अगर घूमने के लिए चली जाए छत पे, इन्हें फ्रेश होने के लिए छत पे ले जाते हैं, तो ये देखिए कैसा भेस कर लिया चेरी ने, पूरी सन गई है मिट्टी में। और अब मौसम ठंडा हो गया है तो जल्दी जल्दी नहला भी नहीं सकते हैं इन्हें, तो इसलिए देखते हैं एक आध दिन में, कल नहीं परसों ट्यूसडे में नहलाएंगे, क्योंकि ट्यूसडे में इनकी भी छुट्टी रहेगी तो थोड़ा टाइम मिल जाता है, और इन्हें नहलाने में नहला के फिर इनके बाल वगैरह सुखाने में टाइम लगता है थोड़ा, तो इसीलिए इन्हें ट्यूसडे में नहलाएंगे। तो यहाँ बनने लगी है मेरी खिचड़ी, और तो जी इस टाइम बज चुके हैं 5, और दोपहर का काम वगैरह निपटा के और लंच करने के बाद फिर मैं लेट गई थी, तो बहुत थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कई दिन से इतना बिजी शेड्यूल चल रहा था कि आराम सही से मिल नहीं पा रहा था। और आज मैं लेटी तो मुझे नींद भी काफ़ी अच्छी आ गई। और ये देखिए शीरो, शीरो मेरे पास से हिलेगा नहीं, ये रहा शीरो। शीरो हेलो कर दो बाबू। और शीरो और चेरी अब गंदे हो रहे हैं, अब इन्हें कल या परसों में नहलाना पड़ेगा। और मेरी आ गई है चाय बन के, बंकू ने चाय बना के ला दी है मुझे, देखिए चाय अब मैं पीऊँगी शाम की चाय, और साथ में है बिस्किट। तो आ जाइए, किस किस को चाय पसंद है आप भी पी लीजिए। तो चलिए फिर, ब्लॉग वैसे ज़्यादा बना नहीं है, देखती हूँ जो भी बना है, लेकिन कंटिन्यू रखूँगी अब ब्लॉग, क्योंकि अब मेरे कोशिश मैं ये करूँगी कि रेगुलर ब्लॉग जाए। तो यहाँ पर टाइम हो चुका है रात का, लगभग 8 बज रहे होंगे, और मैं बना रही हूँ अपना रात का खाना। तो रात के खाने में बनाए हैं दाल चावल, और दाल देखिए मेरी बन चुकी है क्योंकि छोंक भी लग गया है, और उधर कुकर में मैंने चढ़ा दिए हैं चावल, तो चावल छोंक दूंगी और उसमें 2 सीटी आएंगी और चावल भी मेरे तैयार हो जाएंगे। और वैसे भी त्योहारों के चक्कर में इतनी भागम भाग रही है पिछले कुछ दिनों, तो 1-2 दिन का थोड़ा सा मन था कि बस कम से कम काम हो और रेस्ट मिले ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसी चक्कर में दोपहर मैंने लंच में बनाई थी खिचड़ी मूंग की दाल की, और शाम में बना रही हूँ दाल चावल। और वैसे भी ये नहीं रहते हैं तो फिर हम तो दाल चावल बच्चे और मैं दाल चावल खा लेते हैं, और इन्हें सिर्फ रोटियाँ चाहिए दाल चावल रात के टाइम। तो जी इस टाइम बज चुके हैं 9:30, और रात का खाना लगभग तैयार है हमारा, दाल बन गई है ये देखिए, अरहर की दाल और चावल बनाए हैं। किसमें? काली वाली कढ़ाई में नहीं, अब कुकर में बनाती हूँ, तो बस चावल में 1 सीटी आ जाएगी और चावल भी तैयार है, और फिर हम खाएंगे खाना। और निक्की के पापा अभी आए नहीं है, कहीं गए हुए हैं, तो पहले एक जगह गए थे, उनके चाचा की बेटी है तो उनका आज रोकना वगैरह था, वहाँ गए थे, और वहाँ से आके फिर एक जगह और रिश्ते की बात है, तो वहाँ भी कुछ रिश्ता करवाने वाली बात है, वहाँ गए हैं, तो आजकल ये लगे हुए हैं रिश्ते विश्ते करवाने में, और इसीलिए सुबह के दोपहर 12 बजे के निकले हुए हैं, और अभी तक आए नहीं, नहीं अभी 1 सीटी और आ जाते, अभी तक आए नहीं है। और वैसे भी खाने की मना कर रहे थे वो, क्योंकि मेरा मन फ़ोन पे बात हुई थी तो मना कर रहे थे कि खाना नहीं खाना है, तो बस खाना मैं निक्की बंकू हम खाएंगे, और सीरो चेरी ने अपना खाना खा लिया है। हैं खा गया तो खा लिया ना, हाँ सीरो चेरी ने भी अपना खाना खा लिया, चेरी का भी खा गया। तो चलिए फिर अब हम भी खा लेते हैं खाना, और फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे, उसके बाद मिलो।
तो यहाँ ये देखिए नाइट में मेरे मंदिर का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। और इसी व्यू के साथ चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।